हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका लता मैजिक में। दोस्तों आज हम बनाएंगे आटे से मोमोज, तो ये बहुत ही हेल्थी और अच्छे मोमोज बनने वाले हैं। आप बिना किसी टेंशन के इनको खा सकते हैं। सबसे पहले हमने सोयाबीन बड़ी को भिगो लेना है। ये मैंने एक कप के बराबर बड़ियाँ ली हैं, इनको हमने गर्म पानी करके और इनको भिगो लेना है ताकि ये जल्दी से भीग जाएँ। इनको भीगने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं और अब हम आगे की तैयारी कर लेंगे। अब हमने प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है, साथ ही लहसुन को भी हम चॉप कर लेंगे और अदरक को भी। तो हमने प्याज, अदरक, लहसुन इनको सबको बिल्कुल बारीक चॉप करना है। इन सबको चॉप करके एक बाउल में इकट्ठा कर लेंगे और अब हम पत्ता गोभी भी लेंगे। तो हमने 1/4 पत्ता गोभी ली है और इसको भी हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। पत्ता गोभी को भी चॉप करके हम इसी बाउल में मिक्स कर लेंगे। इतनी देर में सोयाबीन की बड़ियां भी अच्छे से भीग चुकी हैं। अब हमने इनको दोनों हाथों से अच्छे से धोना है और इनको निचोड़ के अलग प्लेट में रख लेना है। और अब हम इनको मिक्सर जार में या चॉपर में क्रश कर लेंगे और इसको हमने बिल्कुल बारीक क्रश करना है, जैसे कीमा होता है एक तरह से। इस तरह से हमने इसको क्रश कर लेना है। ये आप चाहे चॉपर में कर लें या मिक्सर जार में कर लें, दोनों में ही हो जाएगा ये। अब हम गैस में कढ़ाई रख लेंगे और उसको गर्म होने देंगे। इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच के बराबर ऑयल। ऑयल को भी हमने गर्म होने देना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें सारे सोया चंक्स डाल देंगे और हम इनको हमने चलाते हुए अच्छे से भूनना है। इनको चलाते रहेंगे ताकि ये कढ़ाई पे लगे ना। और जब ये थोड़ा सा भून जाए, 2-4 मिनट इनको भूनना है और फिर हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी और प्याज जो सब हमने मिक्स करके रखा हुआ है। अब इन सबको हमने चलाते हुए आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है और इनको भी थोड़ी देर चलाते हुए भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच के बराबर काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच अजीनोमोटो, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें नहीं तो स्किप कर सकते हैं, और स्वादानुसार नमक। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना और चलाते हुए थोड़ी देर पकाना है। इसको हम ढक देंगे और ढक के 2 से 3 मिनट ही हमने इसको और पकने देना है, जिससे हमारे पत्ता गोभी और प्याज वगैरह जो भी हमने डाले ये सब सॉफ्ट हो जाएँ। तो 2 मिनट बाद देखिए, ये मैंने ढक्कन हटा के स्टफिंग चेक कर ली है, तो स्टफिंग हमारी रेडी है। इसको हमने ज़्यादा नहीं गलाना है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप मिला लेंगे और बस हमने इसको मिक्स कर लेना है और गैस बंद कर लेनी है। और इस तरह से ये हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे और तब तक हम मोमोज की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप आटा और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसको पहले मिला लेंगे अच्छे से और फिर हमने थोड़ा सा पानी डालते हुए एक टाइट डो तैयार करना है। पानी एकदम से ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और इस तरह से हमने इसका आटा लगा लेना है। दोस्तों इस तरह से अगर आप मोमोज बना के खाएंगे तो ये मोमोज बहुत ही हेल्थी होने वाले हैं और अब आपको मोमोज खाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। डो हमारा रेडी हो गया है, अब इसको तेल लगा के और अच्छे से ढक के रख दें। ये देखिए हमारा डो इस तरह से होना चाहिए। जितना टाइट हम पूरियों के लिए आटा लगाते हैं बस उससे थोड़ा ही टाइट डो रखें। और अब हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है तो इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दोस्तों मोमोज के साथ चटनी भी ज़रूरी है, बिना चटनी के तो मोमोज खा ही नहीं पाएंगे। तो चलिए फटाफट से चटनी भी बना लेते हैं। तो मैंने ये 2 टमाटर मिक्सर जार में ही काट दिए हैं, लहसुन भी छील के रखे हुए हैं और मिर्चें भी मैंने भिगो दी थी। तो इसमें मैंने डाले हैं 2 टमाटर, थोड़ी सी भीगी हुई लाल मिर्चें, लहसुन और 1 टुकड़ा अदरक का। और इन सबको पीस के मैंने ये फाइन पेस्ट बना लिया है और इसमें मैं मिलाऊंगी अब नमक और ये हमारी चटनी बन के रेडी है। नॉर्मली घर पर मैं ऐसी चटनी बनाती हूँ, लेकिन जो बाज़ार में चटनी मिलती है मोमोज के साथ में उसमें अरारोट मिला होता है और उसको पका के बनाते हैं, तो वो मैं उसकी रेसिपी कभी आपके साथ अलग से शेयर करूँगी। ये चटनी भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए अब हम मोमोज बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें बिल्कुल छोटी छोटी लोइयाँ बनानी होंगी, जितनी पूरियों की लोई बनती है उसकी भी बिल्कुल आधी समझ लो आप, आधी से भी छोटी लोई बना लें। और अब इनकी बिल्कुल छोटी छोटी हमने पूरियाँ बेलनी हैं। तो पहले एक साथ हम सारी लोइयाँ तोड़ लेते हैं, फिर एक साथ पूरियां बना के रख लेंगे। इस तरह से हमने एक साथ पहले खूब सारी पूरियां बेल लेनी है। आप चाहें तो ऑयल लगा के पूरियां बेल लें या आटा लगा के बेल लें, जैसे भी आपको सुविधा हो।
और अब हम इनके अंदर स्टफिंग भरेंगे। तो इस तरह से देखिए एक पूरी ले लीजिए हाथ में और उसमें एक चम्मच के बराबर स्टफिंग डालें, स्टफिंग बहुत ज़्यादा भी ना भरें। और एक तरफ से इसको फोल्ड करते हुए हमने इसको इस तरह से देखें, एक हाथ से पकड़ के रखें अंगूठे से और इधर से उंगलियों से दबाते हुए हम इसको फोल्ड कर लेंगे और मोमोज को आकार दे देंगे। तो इस तरह से आप चाहें तो इसको राउंड घुमा के राउंड शेप दे दें और इस तरह से हमारे ये मोमोज बन के रेडी हो जाएंगे। आप किसी भी शेप में मोमोज बना सकते हैं। एक दो बार में थोड़ा सा, जब तक आपका हाथ सेट नहीं होगा तब तक आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, एक बार हाथ सेट हो जाता है तो ये झटपट से बनने लग जाते हैं। तो इस तरह से देखिए ये मोमोज कैसे फटाफट बन के तैयार हो रहे हैं। बस मोमोज की शेप के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप जिस भी शेप को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार में ही वो आप बना पाएंगे। तो इस तरह से मैंने दो शेप में मोमोज बनाए अलग अलग और दोनों ही एक ही शेप में बनाए, लेकिन इसको राउंड घुमा दो तो ये राउंड शेप में आ जाते हैं और अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये ऐसे भी अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे मोमोज तैयार कर लिए और फिर अब हम इनको स्टीम कर लेंगे। मोमोज के स्टीम करने के लिए स्टीमर भी अलग से आता है, लेकिन मैं भगोनों में ही आपको मोमोज स्टीम करना बताऊंगी। इसके लिए मैंने एक भगोने में पानी गर्म करने रख दिया है और इस छन्नी में हम मोमोज को रखेंगे। तो इसके लिए पहले इसको ऑयल से ग्रीसिंग कर लें जिससे मोमोज इसमें चिपके ना। इसको ऑयल से हमने अच्छे से ग्रीस कर लेना और अब इसमें हम सारे मोमोज रख देंगे एक एक करके जितने भी आएंगे। और इधर अब पतीले में भी पानी खोल गया है तो हम इस छन्नी को उठा के ऐसे ही पतीले के अंदर रख देंगे और ऊपर से इस ढक्कन से ढक देंगे। और इसको हमने 10 मिनट के लिए रख के छोड़ देना है। गैस की फ्लेम को हम फुल रखेंगे और इस तरह से अब इनको स्टीम होने देंगे। जब तक ये मोमोज स्टीम हो रहे हैं तब तक हम बाकी के भी सारे बना लेते हैं। और ये मैं दूसरी शेप में बना रही हूँ। शेप बनाने का तरीका वही है, बस हम इसको गोल घुमाने की जगह हम इसको इस तरह से ही शेप दे के छोड़ देंगे। तो ये देखिए ये शेप भी काफ़ी अच्छी लगती है, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। इतनी देर में मोमोज भी स्टीम हो चुके हैं तो उनको निकाल के और ये बाकी के सारे स्टीम करने वापस रखेंगे। तो मोमोज हमारे रेडी हो चुके हैं, तो ये देखिए ये स्टीम हो गए हैं। इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर बाकी के और भी स्टीम होने देंगे। इन्हीं को फ्राई करके आप फ्राई मोमोज भी बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे आटे से कितने अच्छे हेल्थी मोमोज बन के तैयार हो गए हैं और ये खाने में भी बिल्कुल भी अलग नहीं है। इनके टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं है, बल्कि आपको ये मैदे वाले मोमोज से ज़्यादा ही अच्छे लगेंगे। और इस तरह से ये हमारे घर में आज मोमोज पार्टी हो रही है। और अभी तक मेरे पतिदेव हमें मना करते थे मोमोज खाने के लिए, लेकिन अब वो भी हमें नहीं रोकेंगे इन मोमोज को खाने से। वो खुद भी हमारे साथ इंजॉय करेंगे क्योंकि ये पूरे हेल्थी हैं। तो दोस्तों आप भी बनाइए इस तरह से घर पे हेल्थी मोमोज और इंजॉय कीजिए। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करें और जो दोस्त नए जुड़े हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।